नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 7 मई 2022 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड 2019-2021 बैच की लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। आपको दोस्तों बता दें, डीएलएड बैक पेपर छात्र रिजल्ट के इंतजार में। जी हाँ दोस्तों, हमारा सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर का पहिया जो पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। और देखिए, आपके मन में एक सवाल होगा, इस बार की जो कॉपियां हैं वो कैसे चेक होंगी, क्या स्टेप मार्किंग का दोस्तों पालन किया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, कुछ ऐसे टीचर कॉपी चेक कर देते हैं जिनको ये तक नहीं पता है कि पासिंग मार्क कितना है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका भैया 25 में से 10 नंबर आता है, 11 नंबर आता है। उन बच्चों को लगता है कि टीचर 1 नंबर बढ़ा देता है तो हम पास हो जाते हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, ये कन्फ्यूजन के चक्कर में आप फेल होते हैं, क्योंकि अगर आपने देखा होगा 100 में से अधिकतर जगह 33 नंबर पासिंग मार्क होती है, 50 में से 17 नंबर। यही दोस्तों मानक कुछ टीचर मान के चलते हैं। लेकिन आपको पता भैया, डीएलएड में क्या होता है कि 50 में से पास होने के लिए 25 नंबर लाना जरूरी है। तो काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो 23 या 24 नंबर बाल विकास जैसे सब्जेक्ट में पाकर भी फेल हो जाते हैं। तो टीचर में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है। तो देखिए, हमारा जो प्रथम सेमेस्टर का पेपर है वो 9 मई से शुरू होने वाला है। 9 मई को पहले दिन 2 पेपर होगा। देखिए, अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक नहीं है तो तैयारी में पहले आपको दोस्तों लगना पड़ेगा ताकि आपका रिजल्ट बेहतर आए। उसके बाद 10 मई को आपका जो पेपर होगा, विज्ञान का होगा, गणित का होगा, सामाजिक अध्ययन का, 3 पेपर होगा। उसके बाद अंतिम दिन आपका जो होगा पेपर, हिंदी का, संस्कृत या उर्दू, कंप्यूटर का पेपर। तैयारी बेहतर रखिएगा। और आपको बताना चाहेंगे, जिस पेपर में आधे घंटे का गैप है, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा जो विज्ञान का पेपर होगा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, उसके बाद 11:30 से 12:30 हमारा गणित का पेपर होगा। तो जिन पेपर में आधे घंटे का गैप होता है उन पेपर में आपको बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब ये कि जब आप विज्ञान का पेपर देने के लिए क्लासरूम में चले जाएंगे उसके बाद आपको बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, विज्ञान का पेपर हो जाएगा तो उसके बाद आपको पानी वानी पीने की, घूमने की छूट होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन आप कॉलेज के मेन गेट के बाहर नहीं जा सकेंगे। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, अंतिम दिन जब आप संस्कृत का पेपर देंगे तो ये भी पेपर की टाइमिंग 11:30 से 12:30, ठीक है। मतलब हिंदी का पेपर आप 10 बजे से 11 बजे तक देंगे, उसके बाद यहाँ पर भी सिर्फ 30 मिनट का गैप आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसको भी आपको जरा ध्यान रखना है। और लास्ट दिन आपका जो अंतिम पेपर होगा वो कंप्यूटर का होगा। तो परीक्षा की तैयारी आपकी बेहतर होनी चाहिए। देखिए, दिक्कत कौन कौन से विषय में होती वो भी बता दें, एक गणित है और एक संस्कृत है, बाकी सभी विषय में आप अच्छे से निकाल लेंगे। देखिए, इसमें दिक्कत इस बार ज्यादा इसलिए हो गई क्योंकि इसमें आपको रिविजन का मौका अलग से नहीं मिलेगा, क्योंकि आप विज्ञान ही लास्ट टाइम पढ़कर जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, जैसे विज्ञान का पेपर खत्म होगा, अगर आपको रिवीजन का मौका मिलता तो कम से कम आप गणित के फार्मूला एक बार देख लेते कि कैसे कैसे तैयार करना है। वैसे संस्कृत में दोस्त यहाँ पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृत में भी एक बार रिवीजन जो अंतिम समय का होता है ना, भले वो 1 घंटे की पहले गैपिंग होती थी, उसमें भी काम भर कर रिवीजन हो जाता था। लेकिन अब समय बदल रहा है दोस्तों, नियम भी बदले जा रहे हैं। अगर बात करें कोरोना केसेस की, तो 24 घंटे में हमारे देश में 3,737 कोरोना के नए मामले सामने हैं। देखिए, दुनिया भर में कोरोना के मामले, देखिए ऐसा नहीं कि खत्म हो रहा है। यूएसए की बात करें तो 77,000 से ज्यादा मामले, ठीक है, 77,000 मतलब काफी केसेस हो गए। जर्मनी में 86,000 से ज्यादा कोरोना के मामले हैं। तो सिंपल सी बात है गाइस, कि आने वाले समय में हो सकता है कि कोरोना के अगर मामले बढ़े तो डीएलएड छात्रों को भैया प्रमोट का फायदा मिल सकता है। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाले समय में प्रमोट का फायदा मिले तो परीक्षा की तैयारी बेहतर करिएगा। अगर आप एक विषय में भी फेल हो गए तो फिर भूल जाएगा कि आपको प्रमोट कभी किया जाएगा, ठीक है, तो इसको जरा ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि 8,000 शिक्षा मित्रों की मौत का जिम्मेदार कौन। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं शिक्षा मित्र प्रकरण पर योगी सरकार की चुप्पी का क्या है राज। तो ये दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आती है न्यूज़पेपर के माध्यम से। एक और बड़ी खबर देखिए, लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए 2,47,667 बच्चे पात्र हुए। उसके बाद विवादित प्रश्नों पर जवाब तलब किया गया, यूपी टेट 2022। जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट को लेकर भी लगातार मतलब अपडेट आती रहती है, इसको भी जरा ध्यान रखिए। उसके बाद कई कोर्स कंप्यूटर ओ लेवल के समकक्ष माने जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भविष्य में विज्ञापित होने वाली भर्तियों पर लागू होगी यह समकक्षता, मिलेगा लाभ। जी हाँ, देखिए काफी बार ऐसा होता है कि आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं होता, तो यहाँ पर दोस्तों पूरी डिटेल दी गई, तो हमने कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कि आपको क्या फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बढ़िया वाली खबर है, गुड न्यूज है, ठीक है, खुशखबरी है। तो कई ऐसे कोर्स हो गए जो ओ लेवल के समकक्ष हो गए, मतलब कुछ वैकेंसी में जब ओ लेवल मांगा जाएगा, अगर आपने उन कोर्सेज को किया होगा। देखिए जैसे क्या क्या है, इसको जरा देख लेते थोड़ा बहुत। केंद्र सरकार
केंद्र या राज्य सरकार के मतलब किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय, यूजीसी, ये सब 200 लिखा गया है, ठीक है। 10+2 या स्नातक के उपरांत किया जाने वाला कम से कम एक वर्ष की अवधि की, ठीक है, पीजीडीसीए या डीसीए पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो, यूपी डेस्को से उत्तीर्ण, एक वर्ष का डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उत्तीर्ण हो। मतलब आप देख सकते हैं लाइन से कोर्स कोर्स हैं, ठीक। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर एक और कोर्स है, ठीक है, BSc IT से, MBA, BTEC, ए लेवल बी, लेवल सी, लेवल के, मतलब ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लंबी लिस्ट है, तो यहाँ पर भी आपको फायदा मिल सकता है। तो ये दोस्त एक लंबी लिस्ट है जहाँ पर आपको फायदा देखने को मिल सकता है। उसके बाद जरा यूपी टेट की भी थोड़ी सी अपडेट हम आपके सामने रख दें, क्योंकि आने वाले समय में देखिए, अगर आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दे लेंगे तो उसके बाद आप लोग भी यूपी टेट की तैयारी में लगेंगे। तो देख सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी टेट 8 विवादित प्रश्नों को लेकर दाखिल याचिका पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी से विस्तृत जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने रॉबिन जायसवाल व 200 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अभिषेक राय व अन्य को सुनकर दिया है। याचिका में यूपी टेट के 8 प्रश्नों को विवादित बताया गया है। कहा गया है कि इनमें से 4 प्रश्न 2017 के थे, उन 4 में से 3 प्रश्नों के उत्तर सुप्रीम कोर्ट तक से गलत माने गए थे और इस वर्ष फिर से वे 4ों प्रश्न पूछे गए हैं। मांग की गई है कि विवादित प्रश्नों का विषय विशेषज्ञों से सही उत्तर प्राप्त कर उनके नंबर दिए जाएं। तो भैया आप पीएनपी जान सकते हैं कि मतलब जो क्वेश्चन पहले से विवादित थे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, उन प्रश्नों को फिर से पेपर में पूछ लिए, तो हद करते हैं। तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो उसके बाद जो कट ऑफ जारी किया गया लेखपाल के लिए, इसको जरा देख लीजिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो आपके लिए पासिंग मार्क रखा गया 62.96। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इतने नंबर लेखपाल में प्राप्त किए होंगे तो आपके लिए फायदा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है और EWS कोटा है, ठीक है। तो ये बड़ी खबर थी। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे 8,000 शिक्षा मित्रों की मौत का जिम्मेदार कौन, ठीक है। तो हर एक अपडेट को हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए एक बात और आपको बता दें, DLED स्कॉलरशिप स्टेटस यहाँ देखें। तो हमने कमेंट बॉक्स में आप सभी छात्रों के लिए लिंक दे दिया, जहाँ से आप लोग अपना DLED स्कॉलरशिप का स्टेटस देख सकते हैं। बाकी प्रथम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कैसे करें, समय कम है, अंतिम समय में आप लोग सीरीज का सहारा लीजिए, सीरीज से आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। देखिए टेंशन फ्री होकर आप पेपर देंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर करेंगे। अगर आप टेंशन लेंगे तो यकीन मानिए कि आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा। तो गाइस टेंशन फ्री होकर आप पेपर दीजिए, पेपर अच्छा जाएगा, पेपर कठिन नहीं आता है। अब जिन बच्चों की तैयारी बिल्कुल ना के बराबर है, तो एक बार दोस्तों आप लोग सीरीज खरीदिए, वहां पर बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं, उनको पढ़कर आप पेपर दीजिए, डेफिनेटली आप एक अच्छे स्कोर करेंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों जो हमारा रिजल्ट है सेकेंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का, ये रिजल्ट मान के चलिए अभी 1 से 2 महीने के बाद ही जारी किया जाएगा, समय लगेगा। लेकिन हाँ, अब जिन बच्चों ने अभी थर्ड का पेपर दे दिया, वो फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब बैक ना लगे तो बेहतर है, क्योंकि नई वैकेंसी का दोस्तों नोटिफिकेशन जल्द देखने को मिल सकता है। तैयारी पूरी रखिए। बाकी अभी सीटेट का पेपर जुलाई में हो सकता है, मई जून जुलाई, मतलब 2 महीना और आपके पास है, तैयारी बेहतर रखिए। चलिए बाकी जो भी अलग से अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, उसको लगातार चेक करिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।